न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा और आज एक बेहद ही खास कार्यक्रम हम कर रहे हैं जिसका नाम है नाश्ते पर नेताजी। नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि डाइनिंग टेबल पर आज हमारे साथ एक नेता मौजूद है, लेकिन आज खास मौका है। खास इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव के दौरान बहुत सारे उम्मीदवार लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मेरे साथ एक खास नेत्री है। इन्हें नेता ना कहकर नेत्री इसलिए कहा क्योंकि बहुत समय से वो राजनीति में जुड़ी हुई हैं और इस बार उन्हें लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। जी हाँ, हमारे साथ है पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार कमलजीत सहरावत। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और डाइनिंग टेबल आप देख सकते हैं कि यहाँ सजा हुआ है, सुबह का वक्त है तो हमने सोचा कि सुबह सुबह इनके घर पहुँचे और जाने कि किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है। मैम, चुनाव प्रचार अभी जोरों शोरों से तो शुरू होगा नॉमिनेशन के बाद, लेकिन ये अच्छा है कि नॉमिनेशन समय पर हो गया तो नीचे तक पहुंचना काफ़ी ठीक हो रहा है। RWA तक कार्यकर्ताओं में जो बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं, NGOs हैं, जो रेजिडेंट हैं, उनसे लगातार मिलना हो रहा है। राजनीति से हटकर मैं सवाल करूं तो कितना टफ होता है एक महिला के लिए राजनीति में उतरना, काम करना, शीर्ष पर पहुँचना और घर को बैलेंस करना? आपने जो सवाल किया उसमें महिला की प्राथमिक जिम्मेवारी परिवार के लिए है। परिवार की बहुत प्राथमिकताएं हैं जो महिला के एक, ये कहें कि थोपी ओर नहीं, वो होती हैं, हम परिवार की सदस्य होती हैं। और मैं कहूँ कि घर की ग्रेविटी सेंटर होती है महिला, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन जब परिवार का सपोर्ट मिलता है, वो भी आपको समझते हैं, तो वो राजनीति भी एक परिवार बन जाती है। और जो भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग हैं वो भी एक परिवार है। तो शुरू में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे वो दोनों परिवार हो जाते हैं और दोनों परिवार एक दूसरे को समझते भी हैं। तो घर के लोगों को भी जब उनका समय कटता है तो ऐसा नहीं लगता, उन्हें लगता है कि वो भी तो फैमिली है। क्योंकि हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में भी आपसे सवाल करूँ कि जब सुबह की शुरुआत होती है तो किस तरीके से आपकी होती है, किस तरीके से खान पान रहता है, क्योंकि गर्मी भी बढ़ गई है और ऐसे में अगर थोड़ा सा भी आप इधर उधर का खाना खा लें तो तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कैसे कर रही हैं मैनेज? और वैसे आपको पसंद क्या है सुबह सुबह भोजन करना? खाने में बहुत ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, लिमिटेड सा ही खाते हैं, दो टाइम ही खाते हैं। मेरा ब्रेकफास्ट की आदत नहीं है तो मैं सीधा ब्रंच और डिनर, यही दोनों चीज़ें करती हूँ। अब क्योंकि जल्दी निकलना होता है, ब्रंच का टाइम नहीं होता है, ब्रंच का टाइम 11-12 बजे के बीच में होता है, निकलना 8 बजे पड़ता है। तो इसलिए अपना खाना बनवा के, जो भी सिंपल होता है, कभी सैंडविच बनवा लिए, कभी चिला बनवा लिया और साथ में ORS का पैकेट रख लिया और साथ में नारियल पानी, क्योंकि आपको पानी लिक्विड पे बहुत रहना पड़ता है, बोलना बहुत होता है और मेहनत होती है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें गाड़ी में रहती हैं। तो जब जैसी आवश्यकता होती है उसको ले लेते हैं। बहुत इच्छा पहले भी नहीं होती और अब तो थोड़ा अवॉइड करना भी पड़ता है, तो खाने पे तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, तो फूडी नहीं है तो कुकिंग का शौक है कि कुकिंग किया? हाँ, अपने घर में बच्चों को खिलाया? कुकिंग का शौक मुझे ज़रूर है, और क्योंकि कुकिंग में बच्चों के बहुत आइटम तो नहीं बना पाती हूँ, आजकल बहुत है, लेकिन जैसे केक हो गया, इस तरह के आइटम जो मुझे लगता है कि ईजिली मैं मतलब बना सकती हूँ, अच्छे भी बन जाते हैं। अच्छा। तो घर के खाना रूटीन खाने के साथ दाल चावल सब्जी ये तो बना ही लेते हैं सब भी, लेकिन मैं चाइनीज़ जैसे नहीं बना पाती हूँ, मैं खाती भी नहीं हूँ तो मैं बना भी नहीं पाती हूँ। बच्चों को वो पसंद होगा? बच्चों को पसंद है। तो बर्गर लेकिन हम लोग जैसे घर में बना लेते हैं, बर्शेटा वगैरह ये सब घर में बना लेती हूँ, जो एक सिंपल फूड है जो घर में इजीली बन जाए, और ज़्यादा मसाले हमारे घर में खाते भी नहीं हैं, सिंपल ही खाना खाते हैं। तो इतना बच्चों की जब पसंद होती है तो फिर, और कुछ कोविड टाइम ने भी सबको कुक बना दिया था जी, वो भी एक प्लस पॉइंट रहा कि तब से कुकिंग में और ज़्यादा थोड़ा बढ़ गया। अच्छा, अगर मैं आपकी हॉबीज़ की बात करूँ, आपको क्या पसंद है? मतलब कुकिंग के बारे में तो आपने बताया कि चलिए समय के साथ और हालातों ने आपको कुकिंग करना सिखा दिया और बेहतर तरीके से, लेकिन अगर हॉबीज़ की बात करूँ तो आपके कुछ शौक़ भी होंगे। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कुछ जो मन को सुकून देता हो, जब लगता हो कि बहुत भीड़ हो गई है, बहुत मन अशांत है, तो क्या करती हैं? मुझे रीडिंग और म्यूज़िक, और उसमें भी गज़ल या पुराने ओल्ड टाइम के सॉन्ग्स, वो
अच्छे लगते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं कि हमारे टाइम पे हमने उनको सुना है. तो गज़ल है, ओल्ड टाइम के सॉन्ग्स हैं या रीडिंग, तो मुझे ये तीनों अच्छे लगते हैं. तो जब भी समय होता है या बहुत टेंशन में होती हूँ तो मैं उन्हीं को सुन लेती हूँ. पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, पढ़ती तो तब हूँ जब थोड़ा लग्जरी टाइम मिल जाता है, मतलब थोड़ा सा मूड भी ठीक है, प्रेशर नहीं है तो पढ़ लिया. बीच डाइनिंग टेबल पर बहुत सारी चीज़ें परोसी गई हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा हम लोग शुरुआत भी करते हैं और गपशप भी करते हैं. चूँकि आपने जी जी थोड़ी सी मैं ले लूँगी. और फ्रूट्स भी इस गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं क्योंकि आपके शरीर में ये पानी बनाए रखता है. बिल्कुल जी. तो आपने जैसे गानों की बात की कि नए गाने और पुराने गानों में क्या फ़र्क है और किस तरीके से युवा वर्ग इसको देख रहा है, तो मैं यहाँ पर ये भी समझना चाहूँगी कि राजनीति में नए और पुरानों को जोड़ पाना कितना कठिन हो जाता है, क्योंकि दोनों विचारधाराएं बिल्कुल अलग हैं और ये बड़ी चुनौती भी होती है. देखिए, विचारधारा तो अलग नहीं है, वर्किंग स्टाइल अलग है. क्योंकि जो हमारे टाइम पर थे उन्हें उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था. तो मैं अगर आपको आइडियोलॉजी, तो आइडियोलॉजी सेम है, काम भी आखिर में राजनीति पे ग्राउंड पर ही करना पड़ता है. लेकिन फ़र्क क्या आ गया कि नए जो पॉलिटिशियंस हैं उनको सोशल मीडिया को भी खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है. आगे मैं अगर आपसे सवाल करूँ तो मैं ये समझना चाहूँगी कि आज की राजनीति में या फिर पुरानी राजनीति की हो देखें, तो कौन ऐसा नेता है जिसे आप रोल मॉडल के तौर पर देखती हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पुरुष वर्ग को ही कह रही हूँ, महिलाओं में भी बहुत सारी ऐसी नेत्री रही हैं जिसे आप देखती हैं कि नहीं, ऐसा नेता देश को चाहिए और ऐसे नेता बनने चाहिए. देखिए, मैं पहले टाइम की बात करूं तो सुषमा स्वराज जी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नेता थी, महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाती. आज अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है वो अपने आप में यूनिक है. उनकी शार्पनेस आप सोच भी नहीं सकते, मतलब वो एक मिनट में बात समझकर सुनकर उस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं. बहुत बार तो आपको मिलने की भी जरूरत नहीं होती. तो जो ग्राउंड की रियलिटी है उस रियलिटी को वो समझते हैं और काम कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं का बहुत उनका सपोर्ट है. आपने बीजेपी के तमाम लोगों का नाम लिया, लेकिन ऐसे नेता तो विपक्ष में भी रहे होंगे जो आपको लगता होगा कि हाँ अच्छे रहे होंगे. मनमोहन सिंह जी मुझे अच्छे इंसान लगे. अच्छा. उनकी नीति अच्छी थी, उनका सोचने का तरीका देश के लिए अच्छा था. उनकी प्रॉब्लम बस ये रही कि वो अपने हिसाब से चीज़ें कर नहीं पाते थे. लेकिन मैं सोच के हिसाब से देखूं तो मनमोहन जी देश के लिए अच्छा सोचते थे. किसको देख के ये प्रेरणा ली कि मुझे राजनीति में जाना है? क्योंकि जैसे हमारी जानकारी है कि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत आपने क्वालिफिकेशन भी ले रखा है, लेकिन राजनीति और एजुकेशन बिल्कुल अलग अलग धाराएं हैं. बहुत एजुकेशनिस्ट राजनीति को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपकी पसंद कब जगी? राजनीति में मेरा आना एक्सीडेंटल इंसिडेंट है. क्योंकि संघ परिवार, भाजपा परिवार तो शुरू से समर्थित हम लोग रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे इश्यूज आए, जब राम सेतु का मुद्दा आया और कई ऐसी घटनाएं हुई, तो उस समय पर संघ परिवार को और भाजपा को मिलकर काम करना था. कई प्लेटफॉर्म पर होता है, सामाजिक मुद्दों पर भाजपा और सामाजिक मुद्दों पे एक हो जाते हैं. वहाँ काम करते करते पता नहीं कब राजनीति में जाना हो गया, कब भाजपा में चले गए. अगर आप मुझसे सही पूछो तो मुझे कभी खुद ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं राजनीति में जाऊँ. और ऐसे में बहुत ज़रूरी ये भी सवाल हो जाता है कि आपके जीवन साथी का रोल इसमें बहुत अहम होता है. आपके जीवन साथी अगर आपके साथ हो तो आप किसी भी मकाम को हासिल कर सकते हैं. और वैसे तो कहते हैं कि किसी भी पुरुष की जो उन्नति होती है उसके पीछे महिला होती है, लेकिन अब महिलाओं की उन्नति के पीछे भी पुरुष होते हैं. आप ऐसा मानती हैं? मेरा मानना है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पीछे होते हैं. अगर हस्बैंड आगे होते हैं तो वाइफ पीछे होती हैं. ज़्यादातर पहले हस्बैंड आगे होते थे, तो इसलिए कहा जाता था कि पुरुष के पीछे महिला है. लेकिन महिलाएँ भी जहाँ आगे हैं तो उनके घर के पुरुष भी उनके पीछे हैं. तो मुझे लगता है इंडिया का फैमिली सिस्टम ही बेस्ट है. जब जिसको आगे होना था आगे हो जाता है, जिसको पीछे होना होता है बिना दिक्कत के पीछे हो जाते हैं. तो मुझे ये इंडिया की जो हमारी संस्कृति है इसी की खूबसूरती लगती है. अगर राजनीति कमलजीत जी आप नहीं करती तो क्या करती? मैं एजुकेशन में अपना काम कर रही होती, कहीं अच्छे से बच्चों को पढ़ा रही होती. और पढ़ाने का शौक़ है अभी भी, अगर कोई बच्चा मुझे मिल जाता है कहीं पर भी, 10th 11th में होता है
मैं कितनी भी भीड़ में हूँ मैं उनसे बात करती हूँ। देश के भविष्य को संवारने की पूरी कोशिश हो, चाहे राजनीति के जरिए हो चाहे एजुकेशन के जरिए हो, ये कमलजीत जी की इच्छा है। और इस बीच मैं चाहूँगी